बच्चे आप प्लस वन की कमिस्ट्री करते पे ही साडा यूनिट नंबर वन अच कंप्लीट हो जूगा। यूनिट नंबर वन की हैगा ही सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ कमिस्ट्री। तो आप लास्ट डे नॉर्मैलिटी मेरे ख्याल नाल कीती ही आपां केड़ियां केड़ियां कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं, एक बार आप लिख ली उन्होंने। देखो आप मलैरिटी पढ़िया, अज आप इस तरह चीज़ लिख लें, कुछ होंदिया वॉल्यूम पर डिपेंड कर दियाँ, कुछ वॉल्यूम तो इंडिपेंडेंट होंगे, फिर सानू आपे हिंट आजू आप केड़ियां पढ़िया वा। देखो एक इतों तुम नोट करना दोबारा तो, एक होंदिया वॉल्यूम डिपेंडेंट, जिन्हों के फार्मूले दे विच केड़ी चीज़ आउंदी आ वॉल्यूम, एक होंदिया वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, जिन्हों के फार्मूले विच वॉल्यूम नहीं आउंदा वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। तो वधिया केड़ियां होंदिया जेड़ियां वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होंदिया, फिर आप बेस्ट होंदिया इन्हां नालों डिपेंडेंट नालों। वॉल्यूम ते कौन डिपेंड करदा, फस्ट आ गया मोलैरिटी। तुसीं मोलैरिटी का फार्मूला देखिया होना, मोलैरिटी ये होंदा ही नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आ वेखो वॉल्यूम आ गया, तो करके मैं इहनूं कहना पिया वॉल्यूम डिपेंडेंट। तुसीं नॉर्मैलिटी का फार्मूला भी देखिया, नॉर्मैलिटी का फार्मूला भी देखिया, वह की हैगा ही ग्राम ग्राम एक भी वेलेंट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर। ठीक है, दो फार्मूले ये देखे। तीसरा एक हुंदा वॉल्यूम परसेंटेज, जिदा आप कह सकते हैं मास मास बाय वॉल्यूम, शायद आप ना लिखा हो लिख लियो हूँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये हुंदा गिवन मास, गिवन मास ओवर हुंदा जे वॉल्यूम, वॉल्यूम ते मल्टीप्लाई करीदा 100 नाल। ये भी कि डिपेंड करता पिया वॉल्यूम दे उपर, होर साडे कोल की होगा वेट। ठीक है, मास बाय परसेंटेज इनिया चीज़ा हो गई। अगे इधर देख दे वॉल्यूम इंडिपेंडेंट केड़ियाँ, मोलैलिटी 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 आप पढ़ी आ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आ सल्यूट के मास ऑफ सोलवेंट। देखो इतने वी नहीं आता, एन का मतलब हुंदा नंबर ऑफ मोल्स, डबल्यू का मतलब हुंदा मास। ठीक है, इतने मास आता पाया, ये मास डिपेंडेंट नहीं, जेकर आप इतने लिख सकते हैं ये किन्ना ते डिपेंड करते मास ते, मास डिपेंडेंट। सैकेंड सैकेंड आप इतने लिख सकते हैं, होर आप लिख सकते हैं जिहड़ी वॉल्यूम ते डिपेंड ना करे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिहड़ी आ उहदे विच की आउंदा ही, मोल फ्रैक्शन दे विच आउंदा ही नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स ये भी आप लास्ट डे की नंबर ऑफ मोल्स, जिदा जीटा वगैरह बोली दा ये पढ़े आप, मोल फ्रैक्शन भी आप कीती आ। होर आप कह सकते हैं मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, तो पी पी एम भी आना, पी पी एम हुंदा वा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी किहदे ते डिपेंड करती आ मास ते, ना कि किहदे ते डिपेंड करती आ वॉल्यूम ते। ठीक है, होर आप कह सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट, वेट वेट नू डबल्यू टी कह देना, वेट बाय वेट परसेंटेज, एदा फार्मूला हुंदा गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास मल्टीप्लाई किहदे नाल करना हुंदा आपां 100 नाल। सत टर्म्स ने टोटल। फिर मैं तुहानू याद करा दा कंसंट्रेशन टर्म्स आप दो तीन दिन तो करते पे हाँ, मैं तुहानू शुरुआत कराई ही मेरे ख्याल नाल मोलैरिटी तो, फिर आप कीती मोलैलिटी, नमेरिकल आप नाल नाल ही करते पे, फिर आप कीती नॉर्मैलिटी, लास्ट ये आप कीती मोल फ्रैक्शन। आप मोलैरिटी कर चुके हाँ, नॉर्मैलिटी कर चुके हाँ, मोलैलिटी कर चुके हाँ, मोल फ्रैक्शन कर चुके हाँ, हुण साडी इंपोर्टेंट टर्म रह गई आ वेट बाय वेट। इन्हां इन आ भी तो कर लाँगे, पी पी एम की लोड़ नहीं हुंदी इन्नी,
जे क्वेश्चन कोई बनिया बना लूँगा उदा आपां वेट बाय वेट परसेंटेज मेन करनी। जे तुहानूं पुछिया जावे मलैरिटी वधिया कि मलैलिटी वधिया, तुहाडा जवाब की होगा? मलैलिटी वधिया, क्योंकि ये किहदे ते डिपेंड करदी? मास ते। किहदे ते डिपेंड नहीं करदी? वॉल्यूम ते। जिहड़ी चीज़ वॉल्यूम ते डिपेंड ना करे वह कभी बदलती नहीं है। जे तापमान बदल जी, जे तापमान बदल गया तो आ चीज़ा बदल जाणगियां, क्योंकि तापमान जे जिथे गर्मी वधदी आ उत्थे चीज़ा एक्सपैंड हुंदियां, एक्सपैंड हो गई तो कंसनट्रेशन टर्म चेंज हो जूगी। जे टैंपरेचर नहीं टैंपरेचर चेंज हो गया वॉल्यूम तो उत्ते इंडिपेंडेंट, फिर इन्हां ते कोई फर्क नहीं पैना। इत्थे टैंपरेचर जिहड़ा वा वह अफेक्ट नहीं करता, ये टैंपरेचर तो की आ इंडिपेंडेंट, तो इत्थे टैंपरेचर ते अफेक्ट टैंपरेचर का अफेक्ट हुंदा। हुण आ चीज़ जे अपनी वेट बाय वेट परसेंट इहदे नाल रिलेटिड आपां क्वेश्चन करांगे अज। याद रखियो केड़ी कंसंट्रेशन टर्म आपां पढ़न लगे हाँ, वेट बाय वेट परसेंटेज। साड़ी केड़ी कंसंट्रेशन टर्म आ गई, फिफ्थ वेट, इनू इदा स्लैश पा के लिख देना, वेट बाय वेट परसेंटेज। इहदा की फार्मूला वा? गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू थाउजेंड हंड्रड इंटू हंड्रड। देखो क्वेश्चन की है साढ़े को, इतने आपां जे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए पहला की क्या वा, 10 ग्राम सुक्रोस इज डिजोल्वड इन, 10 ग्राम सुक्रोस इज डिजोल्वड इन, 10 ग्राम सुक्रोस इज डिजोल्वड इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, इस तरह लिखिया। देखियो जेड़ी चीज़ लभण आए सानू फिलहाल उदा फार्मूला ते पता, आपां लिखांगे वेट बाय वेट परसेंटेज। इह किहदे इक्वल हुंदा वा? गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सल्यूशन, गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सल्यूशन। आ थोड़ा प्रॉपर लिख दिना, गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो सल्यूट की आ इत्थे सुक्रोस, सुक्रोस हुंदी जिहड़ी जिहड़ी चीनी खंड आपां वरतदे आ घर दे विच, उहनूं आप सुक्रोस नूं होर टेबल शूगर भी कहिंदे आ। 10 ग्राम इदां होया जी, जिदा आ साढ़े कोल एक हैगा ही पानी, वाटर, वाटर किन्ने ग्राम का हैगा ही, किन्ने ग्राम दिता? 100 ग्राम, 100 ग्राम। ये आपां पाई शूगर, सुक्रोज शूगर ही आ, ये किन्ने ग्राम पाई आपां? 10 ग्राम। तो हुण आ वेखो ये साडा एक सल्यूशन तैयार हो गया, वाटर ते शूगर रल के सल्यूशन तैयार हो गया, तो उस सल्यूशन का भार किन्ना? 100 ते 10 किन्ना? 110 ग्राम। फिर आपां की करांगे, आ जिहड़ा लिखिया ना टोटल मास ऑफ सल्यूशन, इहदी जगह ते किन्ना भरांगे? 110 ग्राम। तो इहदे विच जिहड़ी शूगर पाई वह किन्ने ग्राम की? उपर भरना 10 ग्राम इंटू के ना कर देना? 100 ना, ग्राम ना ग्राम कैंसल, 0 ना 0 कैंसल, 10 10 जा 100, हेठां की बच गया? 11, ते 11 ते 100 नूं जदों डिवाइड करीदा किन्ना आंसर आउणा? 9.09%, 9.09%। इस तरह ये नमेरिकल सॉल्व करने जी। एक क्वेश्चन की होर प्रैक्टिस करवाउणा, थोड़ा होर तुहानूं समझ आउण डै पूगा, हुण थोड़ा औखा करदे आ। जिस तरह देखियो सैकेंड क्वेश्चन है साडा, सैकेंड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। की क्या उन्होंने
उन्होंने किया वा 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इन्नी चीज़ सानू दित्ती है। तो सानू उन्होंने क्या फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, परसेंटेज ते एक गिवन दित्ती, जे चीज़ गिवन दित्ता वा सानू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। देखियो कितना करना सोल्यूशन एदा की पहलो लब्बन की आए वेट बाय वेट परसेंटेज, आपा लिखना वेट बाय वेट परसेंटेज एक एदे इक्वल हुंदा गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, 100 हुण वेखो इत्थे 10 ग्राम नमक, नमक एक सोल्यूट आ, मास सोल्यूट दा किन्ना दित्ता 10 ग्राम, उपर 10 भर दांगे। ते तुसीं ध्यान मारो जिहड़ा सोल्यूशन उहदा की गिवन आ वॉल्यूम, उहदा की गिवन आ वॉल्यूम, ते सानू उहदा की चाहिदा मास। जे मास ना गिवन होवे तुसीं मास दी जगह ते लिख सकदे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, जे मास ना गिवन होवे इहदी जगह ते की लिख सकदे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। उपर केड़ी चीज़ आ 100, हेठां 10, उस तरह डेंसिटी की जगह पर किन्ना भरांगे, किन्नी दित्ती डेंसिटी इहदी 1.2, ते वॉल्यूम की जगह पर किन्ना भरांगे आपां 100, ते उपर भी की आ 100 ना 100 कैंसल, पॉइंट का उपर चल गया 0, 12 हो गया, 12 बाय 100 नू जदों डिवाइड करांगे 8.33% आना जी, इहदा आंसर आ गया 8.33%। देखो अज बच्चे आपां की कीता, वैसे तो यूनिट ख़त्म ही हो गया, आपां नैक्सट डे देख लूँगा, जे ते कुछ रहिंदा होया कोई नमेरिकल वगैरह तो करा दूँगा, नहीं तो नवा यूनिट देखांगे। आपां लास्ट अज एक कीती कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वेट परसेंटेज, बस इस इदा दे क्वेश्चन बन सकते हैं साढ़े जिदा का मैं तुहानूं दस्सिया वा, जां ते सिद्धा क्या होना वेट बाय वेट परसेंटेज कढ़ो, जां घुमा फरा के वॉल्यूम दिता होना तो डेंसिटी दी होनी, तो इतने बदल दिए इनू तो हो जाना क्लीयर। ठीक है, इनू प्रॉपर देख लियो, चाहे ना कोई प्रॉब्लम है तो जरूर दस्सियो। ठीक है, थैंक यू जी।